राग को जानने वाली वह ज्ञान की दशा अंतर में स्वाभिमुख होने पर उस राग से भिन्न पड़ जाती है और आत्मा का अनुभव करती है। बस इसी का नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। वीतराग सर्वज्ञ परमेश्वर का मार्ग यहीं से आरंभ होता है। अहा भगवती प्रज्ञा ज्ञानमय चेतन आत्मा और बंद को सब ओर से अर्थात क्षेत्र काल एवं भाव कालों को से भिन्न करके देखती है। अब इसमें एक बात और समझ लो ध्यान से, क्या अपने पर्याय से भिन्न कर देते हैं ना, तो वो कहते हैं वो पर्याय तो देखती है, निर्गुण तो दिखते ही नहीं है, तो तुम्हारे हाथ में से साधन निकल जाएगा, यानी इसका क्या खतरा है। इसमें ये प्रश्न किया था, हमें बंद से जुदा पड़ना है तो उसका साधन क्या है, तो कहा था भगवती प्रज्ञा ध्यान है, भगवती प्रज्ञा साधन है, तब तुम उसे जुदी कर दोगे और उसकी तरफ पर की तरफ देख लेंगे, हो गया काम खत्म। अभी के यहां से अपनी मांग क्या, देखो कारण और भिन्न कर देती, बंद के किसी भी अंश को ज्ञान में नहीं मिलने देती वो कौन, वो भगवती प्रज्ञा। और ज्ञान खुद भी है, बंद में भी नहीं मिलने देती, और ज्ञान गुण भी है, ज्ञान आत्मा भी है, अर्थात ज्ञान के किसी भी अंश को बंद में नहीं मिलने देती, ऐसी भगवती प्रज्ञा ज्ञान चेतना ही मोक्ष का उपाय है। ज्ञान चेतना भी कहते हैं और भगवती प्रज्ञा भी कहते हैं, अब तो मोक्ष का उपाय खत्म हो जाएगा, वो और नहीं वो तो रहेगा, हमने नहीं स्वामी रहा तो हमारा तो नहीं रहा ना, हमारा मोक्ष कैसे होगा। भैया उसे शामिल भी रखो और जब तुम जिसमें अपना मन स्थापित करो तब उसमें शामिल, क्यों कि वो है साधी संत और तुम हो अनादि अनंत, फिर वो खत्म होगी तो तुमको दुख होगा, वो एक दृष्टि है जो अलग है, वो तुमने समझ ली है और उसको डिपोजिट में रखो। अभी प्रज्ञा श्रेणी की बात चल रही है तो प्रज्ञा श्रेणी खुद पर्याय है, अभी उस पर्याय को धक्का मत मारो भाई, तेरा मोक्ष मोक्ष भी पर्याय है, प्रकट होनी है का साधन तेरे स्वयं के पास ही है। हम तो ये समझा रहे कि जगत में क्यों भटकता है, तेरे स्वयं के पास ही है, अब तू मुझे अलग अलग कर देता तो पर में शामिल हो गई ना, तो पर के पास हो गया ना, स्वयं के पास कहा है गुरुदेव का ये बाकी, तो आपने स्वयं तरह पढ़ा होगा ना भाई, तो तेरी जो मुक्ति का मार्ग है वो तो तेरे ही पास है, अभी तुझे पर में डाल दोगे तो पर के पास हो गया, अपने पास का नहीं था। उसे जाने बिना अज्ञान भाव से शुभराग को मोक्ष का साधन मानकर अनादिकाल से तूने राग का ही बंध का ही सेवन किया है, परंतु भाई राग से पार अंतर्मुख ही ज्ञान चेतना रूप निर्मल निर्विकल अनुभूति ही मोक्ष का एकमात्र साधन है। देखो ये मैंने लिखा है और मैं आता हूं प्रयोजन करने में, उसमें से दो दफे पढ़ के आता हूं आपके सामने, सिर्फ मुझे इसलिए पढ़ना पड़ता है कि आपको जरा और अधिक गुरुदेव का वाक्य तो जागृत हो, कल है ना विश्वास, अहो इस निर्मल स्वानुभूति की क्या बात, इसकी महिमा को वचनातीत है विकल्पातीत है, इसलिए राग से सावधान होकर उपयोग को अंदर स्वरूप में ले जा। अब ले जा की भाषा नहीं है, ये उपदेश की भाषा है। मैं एक ज्ञाता दृष्टा शुद्ध जलानंद प्रभु आत्मा हूं, त्रिकाली वस्तु में ही स्वा की पहचान करके स्वानुभव करके उसी में लीन रहना ही आत्मा को राग से भिन्न करना है, इसी का नाम भगवती प्रज्ञा है, इसी से सर्व कर्मों का नाश होता है और सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। एकमात्र साधन भगवती प्रज्ञा है। अभी मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है यहां, एकमात्र साधन भगवती प्रज्ञा है, तो एकमात्र निमित्त
स्वाध्याय या गुरु शास्त्र का स्वाध्याय या गुरु, क्योंकि वो आत्मा क्या है वो अब सुनो। भगवती प्रज्ञा तो आप कह रहे हो संबंध स्वरूप है, वो अनादि से है नहीं। अभी तो मैं ये कहूंगा कि वो अनादि से है नहीं, तब तो समर्थन होता कैसे? समर्थन भगवती प्रज्ञा से होता है कि बाद में क्या करना है समझ भगवती प्रज्ञा का हमें? इसलिए भगवती प्रज्ञा मैंने तेरे पास जो ज्ञान की विभूति पर्याय में अभी विद्यमान है कि जिस ज्ञान के बल पर तू संबंध असल रूपी प्रकार को प्राप्त करेगा, तो एक तरह से वो भी प्रज्ञा श्रेणी ही है। अब तेरे को भेद डालना हो तो संबंध दृष्टि के होती है तो क्या देखे, वो निश्चय है और ये व्यवहार है। लेकिन व्यवहार माने नहीं है ऐसा अर्थ नहीं। तो देशना लब्धि भी जो वो कहते उसकी प्रमाणिकता के हम तो अज्ञानी है, तो कहते देशना लब्धि में तो गुरु की वाणी प्रमाणिक है ना, शायद प्रमाणिक है। अरे वो अनंत परमात्मा प्रमाणिक है जिनकी दिव्यधनी से वो आई हुई है। इसको ये लगता है कि हमारा ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान है। अब वो हमने साथ में पढ़ के जाना और गुरु के मुख से जाना और रंत की दिव्यधनी से सुनकर जाना, वो तो मिथ्या ज्ञान ही ना, उससे हमारा काम क्या है? अरे तेरी प्रमाण तेरी प्रमाणिकता उनकी प्रमाणिकता उन अनंत भगवान से है, वास्तव में तो शास्त्र से भी नहीं है और गुरु से भी। खबर गुरु माने अनंत दिगंबर रविंद्र देव, उनसे भी नहीं है। और बाकी अब ज्ञानी गुरु भी होते हैं, ऐसा नहीं कहते गुरु नहीं होते हैं, लेकिन देव साहब गुरु वाले गुरु की बात करता हूँ। क्यों? फिर अनंत की वाणी के अनुसार उनकी वाणी हो तो प्रमाणिक है, नहीं करते हैं। उनके पास भी वो वहां से आई है। बड़ी मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद कुंतलाचार्य देव ने ये कहा है। कुंतलाचार्य देव ने लिखा कि नहीं लिखा कि वो आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, परंपरा गुरु के उपदेश से और आत्मा के अनुभव से नंबर पे रखा आत्मा का अनुभव। तीन बातों में देव साहब देव शास्त्र है, देव साहब गुरु है, तीन है आगम के सेवन तो साथ हो गया। आप पता ना आगम है, आगम के युक्ति के अवलंबन से एक तर्क आ गया और परंपरा गुरु के उपदेश से भगवान महावीर के लिए आज तक हमारे गुरु पर्यंत ऐसी व्याख्या की कि नहीं की? परम गुरु अपरम गुरु। इसलिए भाई साहब उसके प्रति इतनी हे बुद्धि मत बनाओ। मुझे हमारी समस्या मुख्यों की हो गई, हम ज्यादा ही बुद्धि आ गई हमारी। और एक बात और दूसरी बात, तो उसके अलावा उसकी बराबरी पर किसी को खड़ा नहीं करना। क्योंकि निमित्त तो असल हुई है और तो कोई निमित्त है ही नहीं कि निमित्त तो ये लिखा है। अंत क्या लिखा है? के निमित्त गिनाए हैं सर्वार सिद्धि में, तो उसमें वेदना के अनुभव से भी लिखा है भाई साहब। तो किसी जीव को सम्मान असर के नरक में हो जाता है तो नरक में किसी का उपदेश तो मिलने वाला है नहीं निमित्त के रूप में, तो कैसे हो जाना? दो डंडे पड़े और सम्मान असर हो जाता। आप दूसरे मेरी बात, अरे वहां पर मार धाड़ है वो निमित्त बनती है। अब उन निमित्तों का क्या गिनाना है? तो सारे निमित्तों को तुम जुर्माने के स्वाध्याय के साथ खड़ा कर दोगे? एक गुरु ने हमें जो बात समझाई है उसको और शास्त्र से हमको जो मिली है, दूसरे तो निमित्त भी वास्तव में कहने के मात्र हैं। प्रत्येक ही दो अकेली यदि विध्वनि और युद्ध विध्वनि की बात तो हमें हमारे पास दो तरीके से आई, जुर्माणी से और गुरु के कुछ गुरुदेव सिंह तो अपने मान लो महानंद है, लेकिन उन्हें क्या तो 35 साल हो गए। तो फिर आज हमें क्या कर बैठना कुछ नहीं। महान हमें उनकी वाणी और जो जनवाणी जिस वाणी के अनुसार जो उनने बोला, जिस वाणी के अनुसार उनने बोला वो है ना हमारे पास भाग्य से। उनकी भी वाणी है और जिस वाणी के आधार पर उनने बोला वो भी वाणी है।
श्रीमद वाले हैं ना, मैं उनके यहां जाता हूं तो उनसे ये बात कहता हूं कि श्रीमद तो महान है, लेकिन श्रीमद ने जहां से सीखा देवी तो है अपने पास अभी कुबरा सुभाग से। श्रीमद ने खुद ही एक शास्त्रों की लिस्ट दी है कि इनका स्वाध्याय करना चाहिए और हमने इनका स्वाध्याय किया है। श्रीमद जी ने भी दी है मोक्ष मात्र के शुरू में फला बड़ा मोक्ष का अध्ययन हमें है तो इनके अनुसार भौतिक कथा साहित्य का लिखा नहीं लिखा। तो जिनसे उन्हें मिला है और जिनको भी उपयोगी समझते हैं आपके लिए लिस्ट दी है तो कम से कम उनको तो स्वाध्याय करो। ये महान उपकार श्रीमद के भक्तों का श्रीमद की बात बात में है, हमारे ऊपर है कि सबसे पहले आचार्य कुंदकुंज के समय साथ जैसे ग्रंथों को उनने ही छापा है, जैसे छापड़ा की टीका भी उनने छापी है। रायपुर के आश्रम से आया था गोमर साहब की टीका भी हमने जो पढ़ी है, जब गुरुदेव का नाम भी नहीं सुना था तो वे श्रीमद आश्रम के श्रीमद के दोनों टीका का समय से हाँ हमको तो ठीक है, श्रीमद का सबको पता है ना। मेरे पास यदि गुजरात जगह तो मैं ना खोलने बोलने को इसलिए दिल्ली में अब एक तीसरी तो जगह कितना दिन लगता है तो अड़चन होती है आश्रम ने ये हमारे अध्यात्म के ग्रंथ हमारे हिंदी प्रांत में भी पहुंचाए। तो मैं श्रीमद बालों से कहता हूं कि तुम्हारा हम पे अनंत उपकार है, श्रीमद का तो जो बात की बात है, लेकिन कि तुमने हमारे स्वाध्याय के लिए छापे हैं कि तुम्हें भी इनका स्वाध्याय करना चाहिए। बहुत विनय पूर्वक उनसे आग्रह करता हूं, जिसके ख्याल में आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, अपने इसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। और कोई प्रवृत्ति हमारे मुमुक्षुओं में धीरे धीरे होती जाती है, एक कारण तो जबरदस्त ही है कि गुरुदेव ने हमारी गुजराती भाषा में बोला, हमारी गुजराती मातृभाषा है, हम जानते हैं उसे, हमें बहुत सुविधा रहती है। अब जिन से जहाँ से गुरुदेव ने पढ़ा वो हिंदी से पढ़ा, संस्कृत से पढ़ा, प्राकृत से पढ़ा, अब वो हमारी पकड़ गई पढ़ा तो इसको पढ़ने में आपको थोड़ी तकलीफ तो होगी ना, लेकिन ऐसा मानिए कि हमारे गुरु ने उन्हें पढ़ा है, बड़ी सभाओं में उन्होंने हमें पढ़ पढ़ के सुनाया है पंक्ति पंक्ति, और हमारे हाथ में एक किताब सौंपी है, कह रहे अपने हाथ में रखो, देखो देखो पढ़ो। क्यों अमर भाई, ये सब बातें अपने आंखों के सामने देखी हुई है ना, तो हमको उस बात का भी ध्यान गंभीरता से रखना चाहिए। और हम लोग जो उनके अनुयायी है, शिष्य है, उनसे जो हमने सीखा है, हम और भी आशासन का अध्ययन करते हैं तो उसकी बात भी आपके सामने लाते हैं तो एकदम भड़कने की जरूरत नहीं है, गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। पहले तो सबसे पहले ये सोचो जगदीश भाई कि हमने ये बात कही तो इससे हमें आपके क्या मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, आप लोग चर्चा लाना मिलेगी, क्या करें क्या मिलेगा, और हमें नहीं कहते तो हमें क्या मिलेगा। स्वार्थ भाव से कह रहे हैं तो आपको थोड़ा एग्जेट करने के पहले एक ज्यादा गंभीरता से विचार करके समझने की बात। और दूसरी बात ये है कि बहुत गहरा अध्ययन करने से वो बातें ख्याल में आती हैं, आपने खुद नहीं कर पाया तो दूसरा निकाल के दे रहा है तो हमारा उपकार कर रहा है। हम उतनी गहराई में जाते तब वो हमारे सामने बात आती और अब वो हमारे पास सहज भाव से आ गई है तो हमको उसमें बहुत बुद्धिपूर्वक शांति से उसको ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो वो जनवाणी के रहस्य जितने गुरुदेव ने खोज दिए पर उतने ही अपने पास रह जाएंगे, उसके आगे भी रहस्य तो अनंत में है,
पूरा ग्रामीण तो वही खत्म नहीं हो गया द्वारा धर्म वाणी, तो वो चीजें हमारे सामने कहा कैसे, और विद्वान को भी थोड़ा फ्री रखना दीजिए, ज्यादा बाद में रखोगे ना तो फिर वो आपको असली चीज चिंतन की थी वो कहना झंझट में पड़े, अभी कहेंगे तो 10 आदमी ग्रोध में सहयोग हो जाएंगे और नहीं कहेंगे तो एक भी खड़ा होने वाला नहीं है, हम काहे झंझट में पड़े, क्यों था हम झंझट में क्यों पड़े, हम कहें ही नहीं, ये दी दुर्भाग्य से उसके दिमाग में ये बात आ गई तो हमारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसको हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। और अंतिम अधिकार तो आपके ही है ना, हम तो सिर्फ गंभीरता से विचार करने के लिए कह रहे, फिर अंत में नहीं मानना और मानना तो आपके ही हाथ में है ना, आप मत मानना लेकिन वो बात हमारी विचार के काबिल ही नहीं है, नहीं मालूम नहीं है। चलो नित्य की दो प्रवृत्तियां ना, मैं एक ज्ञाता दृष्टा शुद्ध चिदानंद प्रभु आत्मा हूं, त्रिकाली वस्तु में ही स्वा की पहचान करके स्वानुभव करके उसी में लीन रहना ही आत्मा को राग से भिन्न करना है, राग से भिन्न करने का कोई बात है अर्थ ही नहीं, अर्थ ही है, इसी का नाम भगवती प्रज्ञा है, इसी से सर्वकर्मों का नाश होकर सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। प्रभु इस राग और आत्मा को इस प्रकार भिन्न कर ले तो तेरा जन्म सफल हो जाएगा, इसी से तुझे आत्मलाभ होगा, अंदर में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होगा और तुझे स्वयं से ही विश्वास हो जाएगा कि अब मेरा संसार अल्प रह गया है, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ स्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं कि राग को जानने वाली ज्ञान की दशा आत्मा से जुड़ी नहीं है, आत्मा ही है किंतु राग आत्मा से जुड़ा है। इस प्रकार इस कलश में भी गाथा के भाव को पुष्ट करते हुए यही कहा गया है कि बुद्धि रूपी छेनी से आत्मा और मन को भिन्न भिन्न जाना जा सकता है और भिन्न भिन्न किया जा सकता है, आत्म कल्याण का एकमात्र सच्चा साधन यही है, अन्य विकल्पों से विराम लेकर अपनी बुद्धि यहाँ लगाओ तुम्हारा कल्याण। अब ये मैंने बात कर कह दी थी कि पूज्य गुरुदेव जी से इस भाषा में कहते हैं कि जिस राग को हम आत्मा जान रहा है वो राग में नहीं हूं लेकिन वो जानने वाली पर्याय तेरे में है, ना बस यही बात पूरे में निकली है, तो मैं नहीं भी पढ़ता तो भी वो बात मैंने कह चुका था, लेकिन मेरे को मन में आया कहने अभी सब वो पढ़ के सुना दे क्योंकि कोई लोग इतना कष्ट करने वाले नहीं है और न किताबें उनके पास उपलब्ध हुई सहजता से, अब अपन आगे पढ़ो भैया कहता अभय जी आप बड़ो प्राकृत भाषा नहीं पढ़ेंगे जीवो बंधो यतः छिज्जन्ति सलक्षणैः बंधो चेदत्तौ सुखा अप्पायहेतौ कः सौखिप्पदेऽप्पा पर्णायेषो दुःखिप्पदेऽप्पा जह पर्णाय विभक्तो तह पर्णायैव हेतव्यो पर्णाय हितव्यो जो चेदासो अहं तुणिच्छेदो अवशेषादि भावा ते मज्जपरिणाय वा जीव ए जीव एवं बंध निज निज किया
जहां सत्य शिखर बिन्ना रहे निमित्त है। पर हर चीजों को मैंने कहा नरक में भी धंधे भी निमित्त है, ऐसे निमित्तों का तो बहुत भेद मिल जाएंगे। लेकिन ये दो निमित्त देखना करती है। देखो कर्ण लब्धि तो आत्मानुभव का ही नाम है एक तरह के, और पांच लब्धियों में देखना लब्धि निमित्त का ये अपेक्षा है बस, और तीन का तो ऐसी है ठीक है। मैंने अपने पर्याय में इतना ज्ञान का शीर्षण होना कि हम आत्मा समझ सके इसके नाम शीर्षण लब्धि, और कसाई की इतनी मन्यता होना कि हम पूरी ताकत से समझने में समय निकालें, तो ये तो हमारी योग्यता है और प्राय उपलब्धि। आत्मा समझ में आ गया तो उसकी विकल्प आत्मा रुचि की बढ़ने का नाम प्राय उपलब्धि, तो मूल दो ही नहीं उपादान के रूप में कर्ण लब्धि और निमित्त के रूप में देशना के जो निमित्त है देश नियम सार में मूल गाथा दी सम्मत संमित्तम जन सुखम तसे जानिए लिखा। तो ये इस बात पे ध्यान दिला रहे कि मैं पूर्व प्रज्ञा खोलूं, थोड़ा समय लगेगा पांच साल में खोलूं। अपने आप बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि देशना लब्धि सिर्फ गुरु के निमित्त से होती है और उसका पोषण हमें छेड़ाला से मिल गया। डोल समझ सुने चित सयाने, उनने ऐसा नहीं लिखा डोल समझ पड़े चित सयाने, तो उन्होंने देशना लब्धि के रूप में सुनने को प्रमुख रखा। एक दृष्टि से वो है, इस दृष्टि से है आखिर मैं भगवान महावीर की दिव्यदृष्टि के बाद 500-600 वर्ष तक लिखा तो कुछ गया ही नहीं, तो उसके बीच में लोगों को देशना लब्धि मिली कभी, तो मुख गुरुओं के मुख से सुनने कोई से मिली ना, तो महत्वपूर्ण तो है ही। लेकिन हमारी ज्ञान की हीनता हो गई तो पढ़ना, तो पढ़ने को हम निमित्त ही नहीं मानते, लेकिन नियम सार की गाथा में पढ़ने को अंतरंग निमित्त कहा है, ये बात मुझे याद है। नियम सार में ये बात इसलिए नहीं कहता हूं कि गुरुदेव चले गए तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए नहीं, इसलिए कह रहा हूं कि गुरुदेव चले गए तो भी घबराने की बात नहीं है। क्यों? इसलिए कि पंडित हरिमोहन है नहीं, इसलिए क्योंकि ये उनकी वाणी और जिस वाणी से पढ़कर के बिना किसी गुरु के उपदेश के उनने ये आत्मा समझा है इस देश में, वो वाणी हमारे पास ये बात करता है ना। सब जिनवाणी का भी महत्व उतना ही है भाई साहब, तो प्रवचन सार में इस जिनवाणी को नित्य बोधक कहा। नित्य बोधक का मतलब क्या? गुरुदेव नित्य बोधक नहीं है, कोई भी गुरु हमें पढ़ाएगा तो 24 घंटा हमें पढ़ाने को नहीं बैठा, लेकिन ये सात से 24 घंटा आपके पास मौजूद है, रात के 2 बजे आपको समझने का विकल्प आएगा तो अपनी एक किताब होगी आपके घर में, क्यों तो उसे आप पढ़ सकते हो, लेकिन गुरु से 2 बजे फोन लगा के नहीं पूछ सकते हो कहना मुझे प्रश्न का उत्तर। मैंने गुरु और फिर सत्य गुरु जो मुख्य रूप से जो मुनिराज होते हैं ना, तो उनका तो कोई नक्की नहीं है कि उपदेश देंगे कि नहीं देंगे, कब देंगे, आप बैठे रहो, भाव आए तो देंगे और नहीं आए तो नहीं देंगे।